करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि। भक्तजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। देवों के देव, दानियों के दानी भक्तों के लिए इतने दयालु क्यों हो जाते हैं? कोई भक्त सच्चे मन से यदि इनकी साधना करता है तो उसे वर देने में भोले बाबा देर नहीं लगाते। तो आइए सुनते हैं शिव भक्तों भगवान भोलेनाथ की ये पावन संगीतमय कथाएं। भोलेनाथ देवों के देव हैं, तभी तो कहते महादेव हैं। सच्चे मन से जो इन्हें दियाए, एक शिव भक्त की सुनो कहानी। कथा है भक्तों बड़ी पुरानी, यजुर्वेद में मिलता वर्णन। सौंध नामक था एक राजा, शिव शंकर का ध्यान लगाता। भक्ति में जो लगन लगाई, एक दिन आया उसके मन में, जाके सैर की जाए वन में। जो ही राजा वन में आया, सुंदर एक सरोवर पाया। भक्तजनों, उस सुंदर सरोवर को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो गए। उस सरोवर में एक राज हंसों का जोड़ा भी तैर रहा था। राजा के मन में आया कि क्यों ना इन राज हंसों को अपने महल में ले जाया जाए। महल के सरोवर में ऐसे सुंदर राज हंस होंगे तो महल की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राजन उन राज हंसों को पकड़ने हेतु सरोवर में उतर गए, किंतु जैसे ही राज हंसों के पास में गए तो डुबकी लगाकर वो राज हंस दूसरे किनारे पर चले गए। तब राजन फिर से उनके पास पहुंचे तो वो फिर डुबकी लगाकर इस ओर आ गए। इस तरह राजन दिन भर उन हंसों को पकड़ने के लिए तैरते रहे। अंत में राजा तैरते तैरते थक गए भक्तों और सरोवर के किनारे विश्राम करने लगे। तभी वो राज हंसों का जोड़ा राजा के पास आकर क्या बोलता है, आइए श्रवण करते हैं। साधारण हम हंस है राजन, स्वर्ग लोक के राज हंस हम। अगर हमें ले जाना चाहो, स्वर्ण सरोवर में हम जाएं, आपके महल की शोभा बढ़ाएं। बनवा लो तुम स्वर्ण सरोवर, राजमहल में राजन आए, अपने मंत्री को बुलवाए। बोले महल में स्वर्ण सरोवर, मंत्री ने उनको समझाया, आपके पास ना इतनी माया, इतना सोना कहाँ से लाए, राजकोष खाली हो जाए। भक्तजनों, राजा को तो उन राज हंस के जोड़े ने इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उन्हें अपने महल में लाना चाहता था। किंतु मंत्री ने उन्हें समझाया, हे राजन, स्वर्ण सरोवर बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सोना नहीं है। तब राजन प्रजा के ऊपर कई अतिरिक्त कर लगा देता है और स्वर्ण सरोवर का निर्माण आरंभ करवा देता है, परंतु फिर भी स्वर्ण सरोवर का कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिर राजा ने आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और उनका धन लूटना प्रारंभ कर दिया भक्तों। परंतु सरोवर का कार्य तो अब भी अधूरा है। अब और अतिरिक्त कर लगाने के अलावा राजा के पास कोई चारा नहीं था। राजा ने अनेकों अन्य कर प्रजा पर थोप दिए भक्तों, और हंसों की चाहत में वो भगवान शिव की भक्ति भी भूल गया। जो राजा थे धर्म परायण, वो ही दो हंसों के कारण। कर्तव्य है भूले अपना, देख रहे अनचाहा सपना।
सजा उन्हें देती थी दुआएं, अब वो उनसे ही तंग आए, लगी निकलने मन से बद्दुआ। नहीं हुई है फिर वहाँ वर्षा, दाने दाने को हर कोई तरसा, राजा ने पंडित बुलवाए, राजपुरोहित ने बतलाया, एक महर्षि वन में आया, उस ऋषि वर का अभु नाम है। भक्तजनों, इस प्रकार राज पुरोहित के समझाने पर राजन ने ऋषि अभू के आश्रम में जाने का फैसला किया। ऋषि अभू उन्हें बताते हैं कि हे राजन, आपने मात्र दो हंसों को पाने की चाहत में अपनी प्रजा के ऊपर अतिरिक्त करों का भार डाल दिया है। इससे आपने शिव भक्ति का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण ही आपके नगर में ये घनघोर अकाल पड़ा हुआ है। इसका मात्र एक ही उपाय है, आप भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक महायज्ञ करवाएं और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। महर्षि अभू के कहने पर राजन ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया भक्तों, और ब्राह्मणों ने भोलेनाथ का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने शुरू यज्ञ कराया, राजा और रानी को बिठाया, आहुति जो यज्ञ में डारी, तब राजन चिंता में पड़ गए, अग्निदेव क्यों रोष्ट हो गए, लगे पूछने राजा से ब्राह्मण, ने तब ध्यान लगाया और राजन को ये बतलाया, जो वस्तु है आपको प्यारी राजा ने जोड़ा था जो धन, अग्निदेव को किया समर्पण, अग्निदेव फिर भी ना आए। भक्तजनों, राजा ने जितना भी धन स्वर्ण इस सरोवर को बनाने के लिए एकत्रित किया था, वो सब आहुति में अग्निदेव को समर्पण कर दिया, परंतु इस पर भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब राजन ने सोचा, अब तो मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु मेरा अपना स्वयं का शरीर ही है, क्यों ना उसे ही मैं अग्निदेव को समर्पित कर देता हूँ, अपनी काया समर्पित कर दूं। ये सोचकर राजा हवन कुंड के मध्य में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनका ये त्याग देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों, और उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ये थी राजा परीक्षा तुम्हारी, तुम तो प्रजा के हो हितकारी, मन में जागा प्रलोभन ये है, प्रलोभन हुआ दूर तुम्हारा, हमने भक्ति को स्वीकारा, तेरे राज्य में वर्षा होगी, भोले ने वरदान दिया है, भक्तों पर एहसान किया है, भोलेनाथ तो है वरदानी, भक्ति पथ से भटक जो जाते, भोलेनाथ ही रास्ता दिखाते, ये थी भक्तों एक कहानी, अब तुमको दूजी है सुनानी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों, अब हम आपको भगवान शिव की एक दूजी कथा संगीत में रूप में सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है भक्तों, गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, वो बहुत धनी था और आसपास में उसके व्यापार के चर्चे हुआ करते थे। एक समय की बात है, गोपाल बहुत सारा सोना चांदी धन लेकर व्यापार के लिए सागर के मार्ग से जा रहा था कि अचानक तूफान आ गया, उसका जहाज डूबने लगा। गोपाल ने जल में छलांग लगा दी भक्तों, और बड़ी मुश्किल से तैरकर अपने प्राण बचाए, परंतु उसकी सारी कमाई जहाज के साथ साथ सागर में डूब गई। भक्तों, होते समय के खेल अजब हैं, ना जाने क्या होना कब,
सब है, आज कोई जो माला माल है, यही गोपाल के साथ हुआ था, सारा ही धन डूब गया था, पानी में गई सारी कमाई, भटक रहा है भूखा मरता, जंगल जंगल में वो फिरता, कच्चे पक्के फल के खाए, बड़ा ही जो धनवान थकल तक, चला नहीं था कभी पैदल तक, पाँव में पड़ गए उसके छाले, भक्तजनों इस तरह गोपाल बहुत दिनों तक भूखा प्यासा वनों में भटकता रहा, कंटीली राहों में चल चल कर उसके पांव लहू लुहान हो गए थे भक्तों। भटकते भटकते एक मंदिर के पास में आया, जहां एक साधु धूनी रमाए बैठा था। गोपाल ने जाकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो और ये क्या हाल बना रखा है? अपनी तो गोपाल ने सारी कहानी साधु को बता दी। साधु परम शिव भक्त था, उसने पहले तो गोपाल को खाने को एक तुम्बा दिया। गोपाल तो कई दिनों का भूखा था, उस तुम्बे को ही 56 भोग समझकर प्रेम से खाने लगा। उसने साधु का आभार प्रकट किया। साधु ने देखा गोपाल के हाथ पर श्वेत कोड़ के निशान थे। ये देखकर साधु उनसे कुछ पूछने लगते हैं। भक्तों, तुमको जो ये कोड़ हो गया, बुरा कर्म तुमने कोई किया, चुरा ले जो औरों का सोना, हे परदेसी कुछ न छुपाओ, मुझको सब सच सच बतलाओ, सोना किसका तुमने चुराया, रहा गोपाल ये मन में, कभी तो मैंने न किया जन्म में, सोना किसी का नहीं चुराया, एकदम उसे याद है आया, एक व्यापारी उसका मित्र था, उसके संग व्यापार वो करता, मृत्यु अचानक उसकी हो गई, छोड़ गया अपना सोना भी। भक्तजनों, तब अचानक गोपाल को याद आता है कि उसका एक साथी व्यापारी था, जो उसके साथ मिलकर व्यापार करता था। अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो अपना सारा सोना गोपाल के पास में छोड़कर मर गया था। गोपाल ने उसके पुत्रों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उसी सोने से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया था। उसने साधु को सारी सच्ची बात बता दी। साधु कहने लगे, तुम्हें इसीलिए कोड़ हो गया है, तुम उस व्यापारी के पुत्रों को उनका सारा सोना लौटा दो। गोपाल कहने लगा, परंतु आज मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरा सारा धन इस सागर में डूब गया है, अब मेरे पास तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, तो भला उन व्यापारी पुत्रों को मैं सोना कैसे लौटाऊंगा? साधु ने कहा, तुम निश्चय तो करो, सब ठीक हो जाएगा। और साधु ने अपनी धूनी से थोड़ी सी राख लेकर उसके माथे पर लगा दी। गोपाल अपने घर की ओर चल पड़ा। भक्तों, मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था कि वो सही समय आने पर अपने साथी व्यापारी के पुत्रों को सारा सोना लौटा देगा। अब गोपाल है घर में आया, एक सेठ को आगे पाया, वो गोपाल से लगा है कहने, तुमसे कुछ धन लिया था मैंने, तब तो मैं लौटा ना पाया, अब मुझको ये याद है आया, मैं आया हूँ इतना सुनकर, जहाज डूब गया तेरा सागर, मित्र हो गया जो था होना, मेरे पास बहुत सा सोना, जितना चाहो तुम ले जाओ, और फिर से व्यापार चलाओ। सोच रहा गोपाल ये मन में, चमत्कार किया उस साधु ने, जाकर उसको शीश झुकाऊं, पहले अपना उधार लौटाऊं।
भक्त जनों, ज्यों ही गोपाल अपने घर वापस आया, उसे एक साहूकार मिला जिसे कभी गोपाल ने कुछ धन दिया था। वो व्यापारी कहने लगा, हे गोपाल, जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी सहायता की थी, अब तुम्हारा सारा धन सागर में डूब गया है, तो मैंने जो तुमसे उधार लिया था वो धन वापस करता हूँ। गोपाल को उसने 5 सोने की ईंटें दी, जिसमें से 2 ईंटें गोपाल ने व्यापारी मित्र के पुत्रों को लौटा दी। अब उसके मन में कोई पाप शेष नहीं था। बाकी बचे हुए धन से एक दुकान खोली गोपाल ने, बहुत सा मुनाफा कमा लिया था, इसलिए जल्दी ही उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे को चल पड़ा था। अपने बचे हुए समय में गोपाल शिव शंभू का ध्यान लगाता और मुनाफे के धन से एक हिस्सा निकालकर वो निर्धनों की सेवा किया करता था। सभी गांव वाले उसे परम शिव भक्त कहते। और एक दिन जब साधु की याद गोपाल को आई तो वो उनके दर्शन को चला गया। जो मेरा व्यापार चलाया ये सब उस साधु की माया, जाकर उसको शीश नवाऊं, आज मैं दर्शन करने जाऊं। मंदिर के जब निकट में आया वो साधु तो वहां नहीं पाया, लगा सोचने ये गोपाल है, दर्शन करना मैंने चाह पर वो साधु न मैंने पाया, मन ही मन गोपाल ये बोले, चमत्कार हुआ उसके साथ है, सामने उसके भोलेनाथ है, श्री चरणों में शीश नवाया, तो देखा आपने भक्तों किस तरह देवादिदेव भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और जब फिर वही भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से क्षमा याचना करता है तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा की बरसात किया करते हैं। इसीलिए यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाइए, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराइए, बेल पत्र भांग धतूरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए, चंदन तिलक लगाकर उनका सम्मान कीजिए, फिर देखिए भोलेनाथ किस तरह आप पर कृपा लुटाएंगे। एक बार दोनों हाथ खोलकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की। सोमवार के व्रत की पावन भक्त कहानी है, सोमवार के व्रत की पावन भक्त कहानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, सोमवार के व्रत की पावन भक्त कहानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। किसी नगर में एक जगह एक साहूकार था रहता, शिव का वो तो भक्त बड़ा था, शिव का पूजन करता, किसी नगर में एक जगह एक साहूकार था रहता, शिव जी का वो भक्त बड़ा था, शिव का पूजन करता,
शिव का नाम जपो ये मन में उसने ठानी है, शिव का नाम जपो ये मन में उसने ठानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। धन दौलत की कमी नहीं थी, भरे हुए भंडारे शिव की कृपा से खुले थे बंद किस्मत के द्वारे, धन दौलत की कमी नहीं थी भरे हुए भंडारे शिव की कृपा से खुले हुए थे बंद किस्मत के द्वारे, दिन में हंसता रहता रात आंखों में पानी है, दिन में हंसता रहता रात आंखों में पानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव शंकर ने अपनी कृपा से झोली थी भर डाली, पर संतान के सुख से उसकी भक्तों झोली खाली, शिव शंकर ने अपनी कृपा से झोली थी भर डाली, पर संतान के सुख से उसकी भक्तों झोली खाली, एक पुत्र दे दे भोले तू सबका दानी है, एक पुत्र दे दे भोले तू सबका दानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। पार्वती मैया से उसका दुख ना देखा जाए, इसको एक संतान दो भोले हट बोले लगाए, पार्वती मैया से उसका दुख ना देखा जाए, इसको एक संतान दो भोले हट बोले लगाए, गौरा से बोले भोले एक बात बतानी है, गौरा से बोले भोले एक बात बतानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है।
इसकी संतान हो 12 साल तलक जिएगी। गौरा एक न माने सुख से उसकी झोली भरेगी। जो इसकी संतान हो 12 साल तलक वो जिएगी। गौरा एक न माने सुख से उसकी झोली भरेगी। दिया पुत्र का दान यही सब सुख की कहानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। कर सेठ सेठानी सुख से समय बिताते। होनी अब क्या खेल रचाए भक्त तुम्हें बतलाते। पुत्र को पाकर सेठ सेठानी सुख से समय बिताते। होनी अब क्या खेल रचाए भक्त तुम्हें बताते। होनी के हाथों से लिखी परम कहानी है। होनी के हाथों से लिखी परम कहानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। वर्ष होने को आए मामा को बुलवाया। भांजे को तीर्थों में घुमाओ मामा को समझाया। बारह वर्ष होने को आए मामा को बुलवाया। भांजे को तीर्थों में घुमाओ मामा को समझाया। दान धर्म और यज्ञ कराओ अलख जगानी है। दान धर्म और यज्ञ कराओ अलख जगानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। हर तीर्थ में मामा भांजा घूम घूम कर आते। यज्ञ हवन करवाते मिलके भंडारे लगवाते। हर तीर्थ में मामा भांजा घूम घूम कर आते। यज्ञ हवन करवाते मिलके भंडारे लगवाते। काशी आए जहाँ पे बसते भोले दानी है। काशी आए जहाँ पे बसते भोले दानी है।
शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। जैसे ही भांजे का बारवा जन्म दिवस था आया, होनी ने फिर अपना भक्तों देखो खेल रचाया। जैसे ही भांजे का बारवा जन्म दिवस था आया, होनी ने फिर अपना भक्तों देखो खेल रचाया। मूर्छित हो गया भांजा देखो मौत तो आनी है। मूर्छित हो गया भांजा देखो मौत तो आनी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। मामा इधर काशी में भक्तों भारी रुदन मचाए, माँ बाप की कुछ मत पूछो जीते जी मर जाए। मामा इधर काशी में भक्तों भारी रुदन मचाए, माँ बाप की कुछ मत पूछो जीते जी मर जाए। हमको भी उठा लो भोले क्या जिंदगानी है। हमको भी उठा लो भोले क्या जिंदगानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। गौरा मैया से उन सबका दुख ना देखा जाए, शिव से अलख लगाए बालक जीवित फिर करवाए। गौरा मैया से उन सबका दुख ना देखा जाए, शिव से अलख लगाए बालक जीवित फिर करवाए। आप कहे ये परम पुजारी बात ये जानी है। आप कहे ये परम पुजारी बात ये जानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। Thank you.
परंपरा की हट मानी, बालक जीवित फिर करवाए। सेठ सेठानी शिव गौरा को चंदन तिलक लगाए। गौरा की हट मानी, बालक जीवित फिर करवाए। सेठ सेठानी शिव गौरा को चंदन तिलक लगाए। व्रत गाथा जो सुन ले नैया पार ही जानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। हम भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। पुराणों में इनके चमत्कार की अनेकों ही कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे। आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है। इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं, तो चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये चमत्कारी कथा। ऋषि मृकंडू हुए हैं भक्तों शिव के भक्त महान, और उनकी पत्नी थी जिनका मरुधति था नाम। किंतु अनेकों वर्षों तक उन्हें ना संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति का उपाय खोज रहे थे कोई। करने लगे हैं भोलेनाथ की दोनों ही कठिन तपस्या, एक ही पुत्र चाहे हो जाए, मन में यही थी इच्छा। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न है बड़े हुए, साक्षात दर्शन आकर के पति पत्नी को दिए। पति पत्नी भोले के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने जब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी को दर्शन दिए तो दोनों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि श्री मृकंडू और उनकी पत्नी ने भगवान भोलेनाथ से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु बुद्धिमान पुत्र की और दूसरा दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र की। ऋषि मृकंडू ने भोलेनाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको पति पत्नी ने मार्कंडेय नाम दिया। किंतु भगवान भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उनकी आयु सिर्फ 16 वर्षों की थी। भोलेनाथ ने दिया वरदान तो असर दिखाया है,
पर अल्पायु पुत्र ऋषि मृकंडु ने पाया है। पति पत्नी ने मारकंडे जिसे नाम दे दिया है, किंतु बुद्धिमान बड़ा ही उनका पुत्र हुआ है। जान गए अल्पायु मेरी 16 वर्षों की है, जब तक सांस चलेगी शिव की करनी भक्ति है। बुद्धिमान था मृत्यु के भय से ना घबराया है, भोलेनाथ की भक्ति में बस ध्यान लगाया है। 16 वर्ष फिर धीरे धीरे बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब ऋषि मार्कंडेय ने जाना कि वो अल्पायु हैं, तो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताने का निश्चय किया और 16 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऋषि मार्कंडेय भागकर काशी पहुंच गए, किंतु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हो गए और ऋषि मार्कंडेय को अमृत का वरदान दे दिया। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जो अल्पायु थे उनको भी अमर कर दिया है, भोलेनाथ की उन पर भक्तों ऐसी हुई दया है। ऋषि मार्कंडे को यम भी ले जा नहीं सकते हैं, क्षमा याचना यम भी भोलेनाथ से करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की भक्तों ऐसी शक्ति है, जाप करे तो आए काल को टाल वो सकती है। प्रकट स्वयं ही भोलेनाथ ने मंत्र ये कर दिया है, जो करते हैं जाप मंत्र का होती उन पे दया है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा ऐसी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते कार, ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते कार। भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ ऐसे वरदानी हैं कि थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन से की गई क्षण भर की भक्ति से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा का अब हम वर्णन करेंगे। किसी समय में एक साहूकार है शिव का भक्त हुआ, पर संतान की प्राप्ति का नहीं सुख उसे प्राप्त हुआ। सच्चे मन से करता था वो शिव की ही आराधना, साहूकार की पूर्ण हुई ना किंतु मनोकामना। माता पार्वती ने एक दिन फिर ये शिव से कहा है, क्यों ना अब तक इसे पुत्र का आपने वर दिया है। आप सदा ही स्वामी भक्तों की विनती सुनते हैं, सच्चे मन से आपकी साधना जो भी करते हैं। क्यों नहीं पुत्र का वर इनको फिर देना चाहते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में जो होता है वही उसे प्राप्त होता है। किंतु माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपको इसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती की विनती पर भगवान भोलेनाथ उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वार्तालाप को सुन रहा था, अतः वो ना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी, पहले की भांति शांत चित होकर भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहा। फिर साहूकार के घर में तो एक पुत्र का जन्म हुआ है, अल्पायु है किंतु पुत्र साहूकार जानता है। धीरे धीरे 11 वर्ष का जब है पुत्र हुआ, विद्या प्राप्त करने को उसे काशी में भेज दिया। अपनी पत्नी के भाई को साहूकार बुलाया, ले जाओ इसको काशी में, उसको इतना बताया। रास्ते में मिले जितने ब्राह्मण दान दक्षिणा देना, और पुत्र की दीर्घायु का वर भी मांग लेना। सिद्ध पुरुषों के वचन कभी कभी सत्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। भक्त जनों, साहूकार ने अपने साले को बहुत सा धन देकर विदा किया और कहने लगे, मेरे पुत्र को काशी में ले जाकर शास्त्रों की विद्या का ज्ञान दिलवाएं। रास्ते में आपको जितने भी ब्राह्मण मिले उन सबको उचित दान दक्षिणा देना और उनके चरणों में वंदन करना। किसी ब्राह्मण के मुख से यदि पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिल जाए तो हमारी साधना पूरी हो जाएगी। साहूकार के कहने पर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल दिया। चलते चलते दोनों एक नगर की सीमा में आकर रुक जाते हैं। दोनों जिस नगरी में रुके थे उस दिन उसी नगर के राजकुमार का विवाह था, किंतु राजकुमार एक आंख से काना था। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को अपने पुत्र की जगह ले जाकर राजकुमारी से ब्याह करा दूं और बाद में इनको बहुत सा धन देकर विदा कर दूं। साहूकार के पुत्र को राजा ने बुलवाया है और दूल्हे का वेश पुत्र की जगह बनाया है। राजा ने तो उनको सारी बातें बताई हैं, राजकुमारी की शादी धोखे से रचाई है। साहूकार के पुत्र में लेकिन ईमानदारी है, दुल्हन की चुनरी पर बातें लिख दी सारी है। और दुल्हन ने लिखा हुआ संदेश पढ़ लिया है, राजकुमार के संग जाने से उसने मना किया है। खाली हाथ ही सब बाराती लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है।
जब राजकुमार की जगह साहूकार के पुत्र को राजकुमारी से शादी के लिए फेरों पर बैठाया तो साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा पति तो एक आँख से काना है और मुझे बलपूर्वक राजा ने अपने पुत्र की जगह बैठा दिया। जब दुल्हन ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो वो सब कुछ जान गई। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। जब बात सामने आ गया तो बारात को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र की ईमानदारी की खूब प्रशंसा की और उसे बहुत सा धन देकर काशी की ओर विदा कर दिया। मामा भांजा दोनों काशी नगरी में आए हैं और यज्ञ के लिए अनेकों पंडित बुलवाए हैं। जानते थे कि एक वर्ष का समय है उनके पास, दीर्घायु के लिए यज्ञ वो करवाने लग खास। यज्ञ हुआ संपूर्ण तो फिर पूर्ण आहुति दी, एक वर्ष की जो सीमा थी वो भी बीत गई। साहूकार का पुत्र ये मामा से कहने लगा है, ना जाने मामा मेरा सर क्यों चकरा रहा है। इतना कहते ही प्राण पखेरू भी उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, 12 वर्षों का समय पूर्ण होते ही साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके मामा अपने मृत भांजे को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका विलाप सुनकर माता पार्वती को बड़ी ही दया आई और कहने लगी, हे नाथ, आपको साहूकार के पुत्र के प्राण लौटाने होंगे, वरना इसका मामा विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देगा। भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और साहूकार के पुत्र को प्राण वापस लौटा दिए। भोलेनाथ ने जिसे दिया अल्पायु का वरदान, माता पार्वती की विनती भोलेनाथ गए मान। आई हुई मृत्यु को भी भोले ने टाल दिया है, अल्पायु को भोलेनाथ ने दीर्घायु किया है। और दर्शन भी मामा भांजा दोनों को दिए हैं, दर्शन पाकर भोलेनाथ के प्रसन्न बड़े हुए हैं। भाग्यशाली है स्वयं ही भोलेनाथ जो हमसे मिले, बोला मामा अब तो अपने नगर की ओर चले। प्रस्थान फिर अपने नगर में वो कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब मामा और भांजा दोनों अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगरी पड़ती थी जिस राजा की कन्या का साहूकार के पुत्र से विवाह कराया था। राजा उनको देखते ही पहचान गया और अपने राजमहल में ले गया। राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि मेरा विवाह तो इस साहूकार के पुत्र के साथ ही हुआ।
क्यों ना आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ विदा कर दें। राजा अपनी कन्या की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। साहूकार के पुत्र से फिर तो राजा कहने लगा, मेरी पुत्री का आपके साथ ही संपन्न हुआ विवाह। पत्नी रूप में आप मेरी पुत्री को अपनाए, मैं चाहता हूँ करके विदा इस घर में ले जाए। राजा ने जो विनती की तो उसने मानी है, साहूकार के पुत्र की फिर वो बन गई रानी है। राजा ने अपनी कन्या को बहुत सधन है दिया, धूमधाम से राजकुमारी को है विदा किया। फिर तो लौट के अपने नगर में वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से साहूकार के पुत्र को दीर्घायु के साथ साथ राजा की कन्या भी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जब वह अपने नगर में वापस आए तो साहूकार के पुत्र ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनकर साहूकार भोले नहीं समाए और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। भोलेनाथ ने ऐसी उन पर कृपा बरसाई, दीर्घायु भी साहूकार के पुत्र ने है पाई। भोलेनाथ तो सदा भक्तों पर कृपा करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका नाम सुमिरते हैं। सोमवार के व्रत में ये ही कथा सुनी जाती है, भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर हो जाती है। भोलेनाथ की कथा को सुनता हंस राज रलहन, दियसपाल भी करता उनके चरणों में वंदन। फौजी सुरेश से लाखों भक्त भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।